10 रुपए और अपने पीछे जो गाड़ी आप देख रहे हैं वो है महानगरी एक्सप्रेस जो कि मुंबई जा रही है। हे यो व्हाट्स अप गाइस, आप सबका मेरा सलाम नमस्ते आदाब और सत श्री अकाल। तो गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस आज मैं चिल फड़ा हूँ आपके लिए फिर से एक नए सफर की तरफ। तो चलते हैं आज की वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। तो गाइस आज की हमारी जर्नी होने वाली है गाड़ी संख्या 02160 जबलपुर नागपुर ओवरनाइट ट्रेन में। ये ट्रेन डेली रात को 9:20 पर जबलपुर से खुलती है और अगले दिन सुबह के 6:30 पर हमें नागपुर पहुंचाती है। और ये ट्रेन 9 घंटे 10 मिनट में टोटल 544 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है विद एवरेज स्पीड ऑफ 59 किलोमीटर पर आवर। और इस ट्रेन के टोटल 12 हॉल्ट है और इस ट्रेन का मैक्सिमम प्रवेश स्पीड है 110 किलोमीटर। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ स्टेशन के बाहर, देख सकते हो ये बाहर का व्यू है। तो चलते हैं स्टेशन के अंदर, फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपना कोच और अपना सीट। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ स्टेशन के अंदर और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, क्योंकि हमारी गाड़ी यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ही खुलेगी। और अपने पीछे जो गाड़ी आप देख रहे हैं वो है महानगरी एक्सप्रेस जो कि मुंबई जा रही है। तो जब हमारी ट्रेन आती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ हमारी ट्रेन का कोच और अपना सीट वगैरह सब कुछ, और हाँ लोकोमोटिव भी ज़रूर दिखाऊँगा। तो आप जर्नी में बनी रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए। A few moments later. तो गाइस ये रही अपनी ट्रेन, इटारसी साइड का वेब 7 लगा हुआ है, लोको नंबर है 37064। ये रही अपनी ट्रेन, बिल्कुल चमचमाता हुआ ब्रेक है इसका। तो गाइस ये रही अपनी कोच S6 है ये। अभी कोच के अंदर लाइट नहीं जली जिस वजह से मैंने आपको अभी तक अपना सीट नहीं दिखाया है, जब लाइट आती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपने कोच का सीट। 20 minutes later. तो गाइस फाइनली हमारे कोच में लाइट आ चुकी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना सीट। S6 हमारा कोच है और ये रहा अपना सीट 80 नंबर। और इसका मैं इंटीरियर दिखाता हूँ आपको। ये सामने मिरर छोटा सा है, ये चार्जिंग सॉकेट है और ये 2018 में है इसलिए ऊपर नीचे वाला है। और आप देख सकते हैं साफ सफाई देख सकते हैं आप, ऊपर फैन भी है, लाइट भी है, साफ सफाई बिल्कुल ओके है, बढ़िया है सब। तो गाइज हुआ यूँ कि मेरा जो सीट था वो था 65 नंबर, लेकिन वो आंटी एक बूढ़ी आंटी आई बोली कि बेटा ये सीट मुझे दे दो क्योंकि मुझे ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम होगी। तो अब क्या करता मैं, देना पड़ गया मुझे बूढ़ी आंटी जो थी। तो उनका जो 80 नंबर वो मैंने ले लिया, अपना जो 65 था वो मैंने उनको दे दिया। तो कोई नहीं, बस रात भर के सफ़र है। और वीडियो पे तो मैं नीचे बैठ कर भी या फिर गेट के पास भी बना सकता हूँ। और हाँ गाइस इससे पहले भी मैंने 3-4 बार लोअर बर्थ ही लिया था, लेकिन बस हर बार वही होता है, जब भी मैं लोअर बर्थ चूज करता हूँ कोई ना कोई आता है। जैसे मैंने 2 दिन पहले भी एक सफ़र किया था, उसमें कुछ फौजी भाई आ गए थे वो ले लिए सीट। उससे पहले भी मैंने कई सफ़र किया जिस पर लोअर बर्थ लिया, मतलब कोई ना कोई आगे मांगी या डिमांड करती किया जा रहा है। अब मैं लोअर बर्थ कभी भी चूज नहीं करूँगा, हमेशा चूज करूँगा साइड लोअर। भैया 2 पानी के बोतल देना, चेन देना भैया। नहीं यही है बस, नहीं है ओके। भैया 2 पानी के बोतल देना। जबलपुर रीवा एक्सप्रेस। थैंक यू। और गाइस इस ट्रेन के कोच कंपटीशन के बारे में बात करूँ तो इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के 9, थर्ड एसी के 4, सेकेंड एसी के 2, फर्स्ट एसी के 1 और सेकेंड सीटी के टोटल 4 कोच है। और इसका लोकोमोटिव तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया जब ट्रेन प्लेटफॉर्म में इंटर कर रही थी। तो गाइस अभी घर में बज चुके हैं रात के 9:10 और हमारी ट्रेन खुलने में अभी भी पूरे 15 मिनट बाकी है। तो जब ट्रेन का यहाँ से खुलने का टाइम होता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन का से डिपार्चर। उससे पहले गाइस आप ये देखिए, ये देखिए जब ट्रेन अभी खुली भी नहीं है लोगों ने क्या हाल कर दिया, देखते इसको जाम कर दिया, बिल्कुल चौक हो चुका है ये।
तो देखा गया कैसे लोगों ने बेसिन को चोक कर दिया। मैं हर दूसरे और तीसरे वीडियो में आपको ये सिचुएशन दिखाता हूँ ट्रेन का, और हर बार बोलता हूँ कि ऐसा ना करें, बल्कि फिर भी लोग समझते कहाँ हैं। खैर कोई नहीं, अभी आएंगे हाउसकीपिंग वाले और इसे साफ करके तो जाएंगे, उनका तो ड्यूटी है, वो तो करेंगे, लेकिन हम कब सुधरेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए जब ट्रेन खुलती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से डिपार्चर, तब तक आप जर्नी को इंजॉय करते रहिए। और गाइस ये हमारे सामने आई है हावड़ा मुंबई मेल, इसके आगे वेब 7 लगा हुआ है। कौन से सीट का? हावड़ा सीट का ही होगा, मैंने देखा नहीं अभी। तो गाइस फाइनली घर में बज चुके हैं रात के 9:20 और वक्त हो चुका है हमारी ट्रेन का जबलपुर से खुलने का। उससे पहले मैं आपको जबलपुर के बारे में बता दूं कि यहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म है, और कोविड से पहले यहाँ पे 20 ट्रेनें ओरिजिनेट और 21 ट्रेन टर्मिनेट करती थी, और 172 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ 151 ट्रेनें रुकती हैं। तो चलिए आप मैं आपको दिखाता हूँ उस ट्रेन का जबलपुर से डिपार्चर। बाय बाय जबलपुर। गाइस हमारी ट्रेन जबलपुर से निकल चुके हैं, और ये ट्रेन यहाँ से पूरे 20 मिनट डिले खुल गए, और हमारा जो अगला स्टॉपेज है वो है मदन महल। तो चलिए मिलते हैं आपसे डायरेक्ट मदन महल में। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मदन महल, जिसका स्टेशन कोड है MML, और ये ट्रेन अभी यहाँ 20 मिनट डिले पहुँचाई है। मदन महल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है, और कोविड से पहले यहाँ पे 6 ट्रेनें ओरिजिनेट और 5 ट्रेनें टर्मिनेट कर दी थी, और यहाँ पे 42 ट्रेनों का हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 28 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और गाइस मदन महल एक बहुत ही पुराना और हिस्टोरिकल दुर्गावती जी का किला है, जो यहाँ पे लोग घूमने आते हैं। तो चलिए अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले स्टेशन पर। तो गाइस हमारे ट्रेन मदन महल से निकल चुकी है, और हमारा जो अगला स्टॉपेज है वो है श्री धाम। और हाँ गाइस, जब मैं इस ट्रेन में बोर्ड किया तब इस ट्रेन में स्लीपर क्लास में 150 सीट और थर्ड एसी में 189 सीट अवेलेबल था, मतलब कि ट्रेन पूरी की पूरी खाली ही है अभी तक। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपना दूसरा हॉल श्रीधाम, जिसका स्टेशन कोड है SRID, और ये ट्रेन हमें यहाँ पूरे 30 मिनट डिले पहुँचाई है। श्रीधाम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है, और कोविड से पहले यहाँ पे 42 ट्रेनों का हॉल्ट था, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ 24 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और हाँ गाइस, यहाँ से एक भी ट्रेन ना ही ओरिजिनेट होती है और ना ही टर्मिनेट। और गाइस इस शहर का पुराना नाम था गोटेगांव, और इसे छोटा छिंदवाड़ा भी कहते हैं। तो हमारे ट्रेन का यहाँ से ग्रीन सिग्नल हो चुका है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर। चलिए अभी घर में बच चुके हैं रात के 10, और मैं जा रहा हूँ अभी डिनर करने। डिनर में मैंने जबलपुर से ही लिया था 2 ऑमलेट और 8 ब्रेड, मुझे 25 रुपये के पड़े, मैंने वो लिया था। तो अभी मैं जा रहा हूँ डिनर करने, डिनर के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ उस ट्रेन का वॉशरूम। तो आप जर्नी को इंजॉय करते रहिए, जर्नी को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो गाइस अभी हमारे ट्रेन आ चुकी है नरसिंहपुर, जिसका स्टेशन कोड है ANU, और ये ट्रेन यहाँ 30 मिनट डिले पहुँचाई है। नरसिंहपुर की बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 2 प्लेटफॉर्म है, और कोविड से पहले यहाँ पर 84 ट्रेनों का हॉल्ट होता था, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ 42 ट्रेन ही रुकती है। और गाइस यहाँ पर अभी हमारे ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का ही हॉल्ट है, और नरसिंहपुर फेमस है मसूर दाल के लिए। तो 2 मिनट के लिए और कितना ज़्यादा बताऊँ, तो इतना काफ़ी है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ उस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर। तो गाइस हमारा डिनर हो चुका है, और चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन का वॉशरूम में कंडीशन कैसा है। तो गाइस ये रहा सामने मिरर, बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल चकाचक है, और ये रहा बेसिन, पानी आ रहा है यहाँ पे भी, और ये सोप होल्डर है, और ये डस्टबिन है,
और इधर भी डस्टबिन है, लेकिन यहाँ पे फास्ट घुसर नहीं है। चलते हैं अब टॉयलेट के अंदर। गाइस अब हम आ चुके हैं इस टॉयलेट के अंदर और आप देख सकते हैं ये सामने मिरर है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल एक दाग धब्बा भी कहीं भी नहीं है। और ये रहा नीचे बेसिन, किसी ने गुटखा थूक रखा है, आप देख सकते हैं पानी आ रहा है यहाँ पे भी। ऊपर लाइट है और सब देख सकते हैं, नीचे भी देख सकते हैं कितना साफ सुथरा है। तो वाशरूम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कंडीशन में है, 18 मेड LHB कोच है, तो वाशरूम का कंडीशन सही रहेगा, ये बिल्कुल नया है। और जबलपुर का जो मेंटेनेंस होता है वो भी बहुत ही गजब का होता है। तो चलते हैं अपने सीट पे और वहाँ से जर्नी को एंजॉय करते हैं। Wow, very nice. तो गाइस हमारे ट्रेन करेली आ चुके हैं और देख सकते हैं आप प्लेटफॉर्म पर कितना अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है। तो मैं नीचे उतरूंगा नहीं, मैं ऊपर से आपको बता दूंगा। एक लाइट भी नहीं है और ना ही शेड है, छोटा सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे करेली। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं करेली, जिसका स्टेशन कोड है KY और ये ट्रेन हमें यहाँ 45 मिनट डिले पहुँचाई है। करेली के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 2 प्लेटफॉर्म है और कोविड से पहले यहाँ पर 36 ट्रेनों का हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ 22 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और आप देख सकते हैं बाहर कितना अंधेरा है, मैंने आपको दिखाया। और बस एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा करेली, अगर आपको दिख रहा होगा तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर आपका नागपुर का पैसेंजर। और ये हमारे, आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार गुलानी। आप नागपुर के ही रहने वाले? और आपका वहीं पे मेरा बेटा है। क्या नाम है आपका? हाय कर दो। मयंक। हाँ थोड़ी सी लाइट यहाँ पे आई, आप देखो ये रहा करेली का साइन बोर्ड। बेटा गिनना मत, ठीक है? इधर आने शूटिंग के लिए बस बेटा आप गिर जाओगे, बस ट्रेन चलते ही अब गिर जाओगे। अरे रुक जाओ, इसको बंद कर दो। और इधर आओ, इधर 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 इधर। आपका नाम क्या है? आपका नाम? आपका। तो गाइस हमारी ट्रेन करेली से निकल चुकी है, हमारा जो अगला स्टॉपेज है वो करीब आधे घंटे बाद आएगी और हमारी ट्रेन भी अभी लगभग 45 मिनट डिले चल रही है। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपना डेस्टिनेशन नागपुर, जिसका स्टेशन कोड है NGP और ये ट्रेन यहाँ 10 मिनट बिफोर पहुँचाई है। नागपुर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 8 प्लेटफॉर्म है और कोविड से पहले यहाँ पे 21 ट्रेनें ओरिजिनेट और 19 ट्रेन टर्मिनेट करती थी और 254 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 152 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और गाइस नागपुर फेमस है संतरे के लिए और नागपुर इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ में से एक है और ये शहर आता है महाराष्ट्र स्टेट में और यहाँ से रायपुर, भोपाल मतलब दिल्ली होते वाली एक मुंबई और एक चेन्नई वाली लाइन यहाँ से आप यहाँ पे आकर मिलती है। और गाइस फेयर के बारे में बात करूँ तो इस ट्रेन में जबलपुर से नागपुर के बीच सीकर सीटिंग का रहा है 190 रुपये, स्लीपर क्लास का 325, थर्ड एसी का 840, सेकेंड एसी का 1175 और फर्स्ट एसी का 1950 रुपये। और जर्नी एक्सप्रेस के बारे में बात करूँ तो जर्नी एक्सप्रेस बहुत ही अच्छा था, ट्रेन हमारी रात में 45 मिनट डिले हो गई थी, वरना मैंने तो सोचा था कि मैं आपको पिपरिया तक सब कुछ दिखाऊंगा,
लेकिन ट्रेन डिले होने की वजह से मैं आपको नहीं दिखा पाया और मुझे नींद भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी मेरा बैक टू बैक जर्नी करना है। तो कोई ना, फिर कभी किसी नेक्स्ट जर्नी में मैं सारे के सारे कवर कर लूँगा। तो कल जब भी घर में बच चुके हैं सुबह के 6:30 और आप देख सकते हैं नागपुर में कितना अंधेरा है। आप देख सकते हैं ये इधर साइड पीछे बिल्कुल नागपुर में 6:30 बजे भी इतना अंधेरा है। तो गज और हाँ गज बच्ची का आपने डांस देखा, कितना बेहतरीन डांस किया उसने, उस डांस के लिए तो 1 लाख बनता ही है। तो गज चलता है, इसके साथ अपने वीडियो करता हूँ यहीं पर सब, आप तो मिलता हूँ बहुत जल्द आप अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं बहुत जल्द आप अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना अपने फैमिली का ख्याल रखिए और अपना देश जरिए चैनल देखते रहिए। और तब तक के लिए जय हिंद।